overdraft balance shown by the bank column in the cash book of Mr. Vivek is ₹45,000. Overdraft balance means credit balance. It means it is an unfavorable balance and it is recorded in the minus items. Credit balance or overdraft as per cash book. A bill receivable for ₹5,000 previously discounted with the bank had been dishonored and debited in the passbook. जो seller हैं उसने goods sold किए. Suppose A is the seller, Mr. Vivek is the seller, and Mr. Vivek ने goods sold किए to Mr. B. एंड मिस्टर विवेक ने एक बिल जो है वो सेंड कर दिया है मिस्टर बी को वर्थ ₹5,000 फॉर 3 months. मीन्स मिस्टर बी विल मेक द पेमेंट आफ्टर 3 months. सपोज बिल अक्टूबर में लिखा गया है तो देन आफ्टर 3 months, फर्स्ट अक्टूबर को बिल लिखा है तो देन आफ्टर 3 months, October to November, November to December, and December to January. From 1st January, Mr. B will make the payment to Mr. Vivek. But Mr. Vivek needs the money urgently. So, क्या करा उन्होंने? He goes to the bank और bank को bill deposit किया. And bank ने उनको वो money ₹3,000 दे दी बिल की. एंड बिल जो है वो बैंक ने अपने पास रिटेन कर लिया. एंड जब मिस्टर बी से पेमेंट आएगी वो बैंक में डिपॉजिट हो जाएगी, बैंक को मिल जाएगी. एंड ये जो 5,000 का बिल था जब मिस्टर विवेक ने मनी रिसीव की तो मिस्टर विवेक ने उसे कैश बुक में रिकॉर्ड किया ऑन द डेबिट साइड, मींस रिसीप्ट साइड 5,000. एंड सेम वे जो पासबुक है मिस्टर विवेक की वहाँ पर भी वो क्रेडिट हो गया ₹5,000. एंड ऑन जनवरी फर्स्ट को वो जो पेमेंट है वो बैंक को रिसीव होनी थी, बट वो बिल जो है वो डिसऑनर हो गया एंड बैंक डिडंट रिसीव एनी पेमेंट, बैंक को पेमेंट नहीं मिली. तो बैंक ने मिस्टर विवेक के अकाउंट में से उसे डिडक्ट किया, मींस यहाँ पर डेबिट किया पासबुक में. बट ये जो इंफॉर्मेशन है मिस्टर विवेक को नहीं मिली. तो देन जो कैश बुक है इट इज़ स्टिल शोइंग मोर बैलेंस एज कम्पेयर टू पासबुक. पासबुक में वो 5,000 डिडक्ट हो चुके हैं बट इन कैश बुक उन्हें हमें क्रेडिट साइड रिकॉर्ड नहीं किया. इट मीन्स कैश बुक इज शोइंग मोर बैलेंस एज कम्पेयर टू पासबुक. बट हमें रिकॉर्ड करना है कि पासबुक पर क्या इम्पैक्ट होगा. पासबुक इज शोइंग लेस बैलेंस, देन वी रिकॉर्ड ₹5,000 इन द माइनस आइटम्स. Bill receivable discounted with the bank is dishonored and debited in the passbook. Next one is interest on investment collected by the bank. Mr. Vivek ने invest किया हुआ है, shares purchase किए हुए हैं, या shares purchase किए हैं तो then he will get the dividend definitely. But यहाँ पर उन्होंने invest किया हुआ है, किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज किए हुए हैं, या कहीं पर भी उनको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट पर. एंड दैट इंटरेस्ट इज कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक अकाउंट में कलेक्ट हुआ. इट मींस वो ₹1,500 जो है वो रिकॉर्ड हो गया है ऑन द रिसीप्ट साइड हियर. एंड इट मीन एंड इट इज़ नॉट रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड, डेबिट साइड रिकॉर्ड नहीं हुआ. While comparing the cash book with the passbook, passbook is showing more balance by ₹1,500. Then we will record it on the plus column, ₹1,500 in the plus column, interest credited in the passbook. Because passbook is showing more balance, then if passbook is showing more balance, we will record it in the plus items. And when passbook is showing less balance, so we will record in the column of the minus items. Third one is checks deposited into bank but not yet collected, ₹7,500.
चेक डिपॉजिट हुए हैं एंड दे रिसीव हुए हैं एंड वो सेम डे बैंक में डिपॉजिट हो गए 7,500 बट नॉट येट कलेक्टेड बाय द बैंक, बट बैंक ने अभी उनको कलेक्ट नहीं किया, बैंक ने कलेक्ट नहीं किया, इट मीन्स बैंक ने उन्हें क्रेडिट नहीं किया, बैंक ने क्रेडिट नहीं किया, इट मीन्स पासबुक इज शोइंग लेस बैलेंस, कैश बुक इज शोइंग मोर बैलेंस बाय रुपीज 7,500 एंड पासबुक इज शोइंग लेस बैलेंस मीन्स वेयर वी हैव टू रिकॉर्ड दिस आइटम, वी हैव टू रिकॉर्ड दिस आइटम इन माइनस कॉलम रुपीज 7,500 चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड. नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट बैलेंस. बैंक ओवरड्राफ्ट है एंड बैंक चार्ज इंटरेस्ट. इंटरेस्ट चार्ज बाय मीन्स बैंक डेबिटेड द मिस्टर विवेक्स अकाउंट बाय रुपीज 1,850 एंड इट इज नॉट क्रेडिटेड इन द पासबुक. पासबुक में क्रेडिट नहीं हुआ. देन एक्सपेंस इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक एंड कैश बुक इज शोइंग मोर बैलेंस एंड पासबुक इज शोइंग लेस बैलेंस. तो देन रुपीज 1,850 विल बी रिकॉर्डेड इन माइनस कॉलम इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट. नेक्स्ट वन इज चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 11,350. 11,350 के जो चेक्स थे दैट वर इशूड बाय मिस्टर विवेक टू हिज क्रेडिटर्स एंड जैसे ही उन्होंने चेक इशू किए तो देन उन्होंने उसे रिकॉर्ड किया ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक मीन्स पेमेंट साइड. एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड हेयर तो देन एंड दीज एक्सपेंसेस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द पासबुक बिकॉज वो जो क्रेडिटर्स हैं उन्होंने अभी चेक को प्रेजेंट ही नहीं किया, वो बैंक में उन्होंने बैंक में उन्होंने गए नहीं है वो बैंक में और उन्होंने चेक को प्रेजेंट नहीं किया है पेमेंट के लिए. इट मीन्स पासबुक में ये एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं है बट कैश बुक में एक्सपेंस रिकॉर्ड है और जब एक्सपेंस को हमने रिकॉर्ड किया तो बैलेंस जो है वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा एंड पासबुक इज शोइंग मोर बैलेंस. देन 11,350 विल बी रिकॉर्डेड इन कॉलम ऑफ प्लस आइटम्स चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. नेक्स्ट वन इज रिसीव्ड ए पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर इनटू बैंक अकाउंट. डायरेक्टली 12,500 रुपीज मिस्टर विवेक के अकाउंट में डिपॉजिट हो गए हैं, क्रेडिट हो गए हैं, डायरेक्टली कस्टमर ने डिपॉजिट किए हैं बट ये जो 12,500 है मिस्टर विवेक को नहीं पता है एंड इसलिए उन्होंने अपनी कैश बुक में इनको डेबिट नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया. अब हम जब कंपेयर करेंगे इन दोनों कॉलम्स को तो देन पासबुक इज शोइंग मोर बैलेंस बिकॉज इनकम रिकॉर्ड हो गई है. पासबुक इज शोइंग मोर बैलेंस बाय रुपीज 12,500 एंड we will record this rupees 12,500 in plus column. The next one is check recorded in the cash book but not sent to the bank for collection was rupees 17,500. check received by Mr. Vivek and उन्होंने bank में collection के लिए नहीं सेंड किए उन चेक्स को बट कैश बुक में उन्होंने उसको रिकॉर्ड कर लिया ऑन द रिसिप्ट साइड डेबिट साइड. बट जब तक वो बैंक के पास नहीं जाएंगे प्रेजेंट कलेक्ट नहीं, बैंक उन्हें कलेक्ट नहीं करेगा, कलेक्ट नहीं होंगे तो क्रेडिट नहीं होंगे मींस पासबुक में रिसिप्ट साइड रिकॉर्ड नहीं होंगे. इट मींस पासबुक इज शोइंग लेस बैलेंस देन रुपीज 17,500 इन माइनस आइटम्स चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंड टू bank for collection. And last one is bank charges is debited as per passbook. Bank ne kuch charges jo hain debit kiye passbook mein rupees 500 but ye jo bank charges hain Mr. Vivek ne unhe credit side mein record nahi kiya hai
पेमेंट साइड में रिकॉर्ड नहीं किया है, कैश बुक इज शोइंग मोर बैलेंस एंड पास बुक इज शोइंग लेस बैलेंस बाय ₹500, देन दिस ₹500 रिकॉर्डेड इन द कॉलम ऑफ माइनस आइटम्स 500. आफ्टर दैट द टोटल ऑफ माइनस आइटम इज 77,350 एंड द टोटल ऑफ प्लस साइड इज 25,350 एंड द डिफरेंस इज ऑफ ₹52,000 एंड वी विल राइट द डिफरेंस इन माइनस आइटम बिकॉज माइनस जो आइटम्स का जो कॉलम है इट इज़ बिगर देन प्लस आइटम्स कॉलम एंड माइनस आइटम्स है तो इट मीन्स इट इज़ अ अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पासबुक एंड अनफेवरेबल बैलेंस मीन्स ओवरड्राफ्ट और डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक.